गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी की बुक झिलमिल में से पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सूरदास के पद। क्या नाम है? सूरदास के पद। अच्छा, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यशोदा मैया और कृष्णा जी। हाँ? और यशोदा मैया माखन बना रही है। हाँ, और कृष्णा क्या खा रहा है? माखन। एक दिन वो माखन चुरा के खाते हैं और तभी यशोदा मैया आके बोलती है कि तुमने माखन क्यों खाया? और कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने माखन कहाँ खाया, जबकि माखन उनके मुंह पे लगा हुआ था। और आपस में उनके क्या सवाल जवाब होते हैं, ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो श्री कृष्ण के मुख पर मक्खन लगा हुआ देखकर माता यशोदा उनसे पूछती है, तूने अवश्य ही माखन चुरा कर खाया है। इस पर श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। आप भी मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है? ठीक है। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्या कहता है वो? के मैया मोरी, कि हे मेरी माता, मैं नहीं माखन खायो, कि मैंने माखन नहीं खाया। भोर भए गईयन के पीछे, भोर भए गईयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण जी क्या कहते हैं कि भोर भए गईयन के पीछे, कि जब सुबह हो गई थी तो आपने मुझे गाय के पीछे, गईयन मतलब गाय, मधुबन मोही पठायो, मधुबन होता है जंगल, कि आपने मुझे जंगल में भेज दिया था। क्या कहता है कि जब सुबह हुई थी आपने तो मुझे जंगल में भेज दिया था गईयन के पीछे, तो मैंने कहाँ से माखन खा लिया। क्या कहता है? अभी मेरे साथ बोलेंगे, भोर भए गईयन के पीछे, भोर भए गईयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। हाँ, ठीक है। चार पहर बंसीवट भटक्यो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वो कहते हैं कि चार पहर बंसी वट भटक्यो, कि मुझे तो चार पहर हो गए, पूरा दिन भर हो गया है, मैं तो बंसी वट भटक्यो यानी के बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था, और सांझ परे घर आयो, सांझ होने पर ही मैं घर आया, बताओ मैंने माखन कैसे खाया। क्या कहता है? चार पहर बंसीवट भटक्यो, चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। आगे कृष्ण जी क्या बात कहते हैं अपनी मैया को? मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। हो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। क्या कहते कृष्ण जी? मैं बालक बहियन को छोटो, बहियन मतलब भुजाएं, बाह, कि मेरी बाह तो छोटी सी है, छीको के ही विधि पायो, जो छीका होता ना जिसमें मक्खन वगैरह दूध वगैरह रस्सी का बना हुआ जिसमें वो टांग देते हैं, है ना, उसको छीका बोलते हैं, कि मेरे हाथ वहां कैसे पहुंच गए, किस विधि से मैंने वो उतार लिया, आप ही बताओ। तो इसलिए क्या कहता है वो? मैं बालक बहियन को छोटो,
मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और आगे क्या कहता है कि जो गली के बाल गवाल है ना मेरे यार दोस्त वो सब मेरी बैरी हो गई हैं और पता नहीं आपको विश्वास में कैसे ले लिया है वो सब मेरी चुगली करते हैं। और क्या कहता है गवाल बाल सब बैर परे हैं गवाल बाल सब बैर परे हैं बर बस मुख लपटायो हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या कहते हैं कि जो बाल गवाल है ना मेरे सखा है वो सब मेरे बैरी हो गए हैं मेरे बैर बैर मतलब पैरी दुश्मन हो गए हैं बरबस मुख लपटायो और जबरदस्ती मेरा मुख लपटा दिया जबरदस्ती मेरे मुख पे माखन लगा दिया ताकि तुझे विश्वास में ले सके कि इसी ने माखन खाया है। ठीक है क्या कहता है आप सब भी गाओ मेरे साथ गवाले बाले सब बैर परे हैं गवाले बाले सब बैर परे हैं पर बस मुख लपटायो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है और क्या कहते हैं तू जननी मन की अति भोरी तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या कहते कि तू जननी हे मेरी मैया कि तू मुझे जन्म देने वाली मन की अति भोरी है मतलब भोली है ना। और क्या कहता है इसीलिए इनके कहे पति आयो तो इनके कहने में इनके विश्वास में आ गई है। ठीक है क्या कहता है एक बार आप भी मेरे साथ गाएंगे तू जननी मन की अति भोरी तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आगे क्या कहते हैं यह ले अपनी लकुटी कमरिया श्री कृष्ण जी गुस्से में आ जाते हैं और क्या कहते हैं तू अपनी लाठी और इस कमरिया को अपने पास रख। कहते हैं यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो कि इस चीज ने मुझे बहुत नाच नचा दिया है आप मेरे ऊपर उल्हाना लगा रहे हो मैंने माखन खाया जबकि मैंने तो खाया ही नहीं। ठीक है क्या कहते हैं यह ले अपनी लकुटी कमरिया यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ठीक है कहते कि अपनी लाठी और कंबल को ले लो। ठीक है अब मैं गांव चराने नहीं जाऊंगा। ठीक है आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो। और इन सब बातों को सुनकर उसकी मैया हंस देती है ना। और क्या कहती है सूरदास तब भी हंसी जसोदा सूरदास तब भी हंसी जसोदा ले और कंठ लगायो हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी ऐसा बोलते ना कि अब लाठी ले लो मेरा कंबल ले लो और मुझे अब गाय चराने नहीं जाना तो उसकी माँ हंसती है कि देखो कैसे कैसे छोटे छोटे बहाने लगा रहा है ना। और माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं ना तो उसको वो गले से लगा देती है और क्या कहती है सूरदास तब भी हंसी जसोदा सूरदास तब भी हंसी जसोदा ले उर कंठ लगायो हो कान्हा मोरे
तू नहीं माखन खायो ओ कान्हा मोरे, तू नहीं माखन खायो। वो कहते हैं कि बस मुझे पता लगा कि तूने माखन नहीं खाया। ठीक है, ये लाइन इसमें नहीं दी गई है, ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि माँ ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों को कि चल मैंने तेरी बात को मान लिया, तूने नहीं खाया। तो इसी प्रकार उसकी मैया भी बोलती है चलो मैं मान लेती हूँ। ठीक है बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यशोदा मैया और कान्हा जी अपनी चोटी दिखा अपनी चोटी दिखा रहे हैं, और वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैया ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उसकी इच्छा है कि बलराम भैया के जैसे मेरी भी चोटी बहुत लंबी हो। ठीक है, लेकिन उनकी चोटी बढ़ नहीं रही है। तब अपनी माँ से वो शिकायत लगाते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, और वो क्या क्या बातें कहते हैं, उन दोनों की क्या बातें होती हैं, ये करते हैं। मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी, हो मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, ये तो छोटी सी है। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, ओ मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। वो कहते हैं कितनी बार मोही दूध पियत भई, कि मुझे दूध पीते हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अजहू है छोटी, यह चोटी तो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लंबी मोटी, हो मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। वो कहते हैं कि तू तो कहती है कि दूध पीने से मेरी चोटी बलराम की तरह है, यानी कि बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, लेकिन यह तो अभी भी छोटी है। काढ़त गुहत नहावत ओ छत, काढ़त गुहत नहावत ओ छत, नागिन सी भुई लोटी, हो मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। वो कहते हैं कि काढ़त गुहत नहावत ओचत, मतलब क्या है काढ़त का मतलब क्या होता है, कि आप कहते हैं कि बाल संवारने से, गूंथने से, नहाने से, उसमें तेल या कंघी करने से, नागिन सी भुई लोटी, कि वो नागिन सी बनकर जमीन पर लेट जाएगी, लेकिन यह तो नहीं हुआ ऐसा कि मैं कंघी भी कर रहा हूँ, नहा भी रहा हूँ, तेल भी लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा ऐसा। काढ़त गुहत नहावत ओ छत, काढ़त गुहत नहावत ओ छत, नागिन सी भुई लोटी, हो मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, हो मैया मोरी कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी कहते हैं कि कांचो दूध पियावत पची पची, कि आप तो मुझे कच्चा दूध पियाते हैं पची पची बार बार, देती न मक्खन रोटी, और आप मुझे मक्खन रोटी तो देते नहीं हो, है ना। सूरज चिर जीव दो भैया, उनकी माँ कहती है कि जैसे सूरज जब तक जिंदा है ना, तब तक तुम दोनों भैया ऐसे ही चिरजीवी रहो, उनको आशीर्वाद देती है। सूरज चिर जीव दो भैया, हरि हल धर की जोटी, ओ मैया मोरी
मतलब क्या है कि हरि और हलधर यानी कि हरि कृष्ण के लिए और हलधर बलराम के लिए तुम दोनों की जोड़ी जो बनी रहे वो उनको आशीर्वाद देती है। क्या कहती है? सूरज चिर जीव दो भैया हरि हलधर की जोटी हो कान्हा तेरी जल्दी बढ़ेगी चोटी हो कान्हा तेरी जल्दी बढ़ेगी चोटी। ठीक है, कैसा लगा बच्चों ये? बहुत अच्छा लगा। चलो आपने अब क्या करना है, होमवर्क के रूप में इसको कॉपी पर लिखना है और इसके शब्दार्थ जो है याद करने हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखो शब्दार्थ दिए गए हैं। ओछत का मतलब क्या है? तेल लगाते या कंघी करते समय। उर का मतलब छाती, उसने उनको उर से लगाया था ना, छाती से लगाया था ना। कमरिया कंबल, कांचो कच्चा, काढ़त समारता, केही विधि किस प्रकार किस विधि से। कैयन गाय, गुहत गूंथती, चिरजेऊ चिरंजीवी, चोटी शिखा बालों की लट या बेनी। छीको मतलब सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी टोकरी। नहावत नहलाती, पति आयो बहकावे में आना, पियत पीते हुए, पहियन बाजू, परबस जबरदस्ती, बिहसी हंसकर, बेनी चोटी, भूई भूमि या जमीन, भोर प्रातःकाल का समय या सूर्योदय से पहले, लोटी लेटना, लंबी लंबी, लकुटी लकड़ी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।